अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो बिट्टी के लिए एक सरप्राइज दिया है और समझ लो मैंने भी दिया है और आपकी सहमा ने भी दिया है बिट्टी और इन बच्चों के लिए, ठीक है। और मुझे नहीं पता उस सरप्राइज का सरप्राइज असल में है क्या, और चलते हैं देखते हैं सरप्राइज को करते हैं। पूछ के थक लेकर मुझे कुछ नहीं पता, बस बोला मुझे खुद नहीं कुछ पता। क्या हुआ, पसंद आया सरप्राइज? बहुत क्या लिखा हुआ है उसका? तो बहुत समझ आ गया, आई लव यू। तो इसका मुझे नहीं पता। गोपाल सोनिया लगा। नहीं, ये लिखा हुआ है सॉरी सोनिया। थैंक यू। इतने करने की क्या जरूरत है? मैंने आपको बोला ये मैंने नहीं किया। हाँ बताया तो है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं मुझसे लफाज जा रही मैं क्या बोलूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक यू। चले जी, हमने जो है ना बिट्टी को, मैंने बिट्टी को दिल से सॉरी। चलो चलो चलो, तीस का जला ही नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू सैम कहते हैं, और हमेशा हम ऐसे खुश रहे, हम मुस्कुराते रहे, हमारे प्यार को बुरी नजर से बचाता रहे खुदा। और हमारे व्यूअर्स भी जो है हमेशा अच्छे अच्छे ब्लॉग देखें, बुरे ब्लॉग हमारे कभी भी ना देखें। और हमें मतलब जो भी हमारे बीच हुआ आप भी भूल जाए, और हम भी उन चीज को भूलना चाहते हैं मजीद। जान को चला नहीं, मैं चला के देखती दिल नहीं कर रहा था, मैं मतलब पूछ रही थी कहाँ जाना है, काम करते कहीं जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, बस बोलता जानने वाले को जाने में, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना, तो बोलता नहीं मुझे भी नहीं पता, बस जानने वाले में, ठीक है। लेकिन मैं खुदा का नाम लेके तो मैं चल पड़ी इनके साथ, ठीक है। और मुझे आज जब मैं आगे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। और कभी भी जब से मेरी शादी है ऐसा सरप्राइज मुझे कभी भी नहीं मिला। और थैंक यू आपकी सहमा ने मतलब बहुत अच्छा किया, और हमारे लिए बहुत अच्छी, हमेशा खुश रहे वो भी। थैंक यू। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं खाने का। हम लोगों ने कुछ खाना ऑर्डर किया है, और खाने में चिकन टिक्के ऑर्डर किए हैं बिट्टी ने अपने लिए, ठीक है। और मैंने रेफरेंस किए हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो रोल पराठा वगैरह हल्का फुल्का चलिए ऐसे कर रहा है जैसे रो रहा है बेटा। हम खाना ऑर्डर किया, टाइम लगता है आने में। अब जो है डिनर करते हैं, डिनर बोलते हैं लंच बोलते हैं, डिनर ही बोलते हैं, डिनर ही बोलते हैं, रात के खाने को डिनर ही बोलते हैं। अपनी पसंद से ये वाला खाना मंगाया, मुझे बहुत पसंद है चिकन टिक्का और साथ में पराठे। चलो मैं अपने हाथों से आपको खिलाता हूँ, पहली बार खिलाऊंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगी। हाँ, और कई लोग हमारे बहन भाई जो है कमेंट्स कर रहे हैं, अब दिखावे की मोहब्बत मत दिखाओ। देखो जी, मियां बीबी में कभी भी दिखावे की मोहब्बत तो होती ही नहीं है, ये वो लोग समझ सकते हैं जो आपस में मियां बीबी हैं, जो प्यार करते हैं। प्यार तो सभी करते हैं, मतलब सब मियां बीबी में प्यार तो होता ही है, लेकिन कुछ ऐसा कम भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, सब मियां बीबी में प्यार तो होता ही है, प्यार हो तो फिर ही बच्चे होते हैं ना, ठीक है। फिर वक्त एक दूसरे के साथ जो है गुजरता है ना, जैसे हमारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजरा कितने 8.5 साल, तो उनके लिए तो छोटा सा ही होगा, क्योंकि इतनी दूर से बैठ के उन्होंने अरेंज करवाया। फिर से थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच सैमा आपकी, और बाकी मेरी तरफ से हम सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा आप सब लोग, के हम लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते, और अल्लाह पाक इसी रमजान के सदके और हमारी सारी परेशानियां दुख बीमारियां इस छोटे छोटे नन्हे मुन्ने को ब्लड की जो प्रॉब्लम है, ब्लड की जो ITP है, इसको वो भी सही हो जाए, ठीक है। तो आप सब लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा, बस छोटा सा अनुरोध था, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बुरी चीज़ों को शेयर करते हैं, अच्छी को भी करिएगा। अच्छे से लोगों के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
प्राइज असल में है क्या, और चलते हैं देखते हैं सरप्राइज को करते हैं। पूछ के थकी लेकर मुझे कुछ नहीं पता, बस बोला मुझे खुद नहीं कुछ पता। अच्छा? मुझे बस खुद ये पता है कि इस जगह पे आ जाओ। ठीक है, तो मैंने सब में रेडी हो गई, हम सब रेडी हो गए और आपकी सामने ने पार्टी दी है और इस जगह पे आना है। ठीक है, और वो मतलब के वो आपकी सामने ये बोला है कि गोपाल तुम्हारी तरफ से सोनिया के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलो देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है कि नहीं, खुदा ख्याल करे। हाँ भी हम लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। चलो एक मिनट, भूलना चाहते हैं मुझे जान को चला नहीं, मैच ला के देख लगता इसका वो है ही नहीं है। चलवा लो, मैं बैठ चुका हूँ और ये बच्चे जो है केक खा रहे हैं और बिट्टी से पूछते हैं कैसे बिट्टी के जज्बात और रिएक्शन थे। मुझे इधर आओ, जब मैं वो क्या बोलते ना घर से निकली थी, क्योंकि आपको पता कुछ